हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेनॉल्ट ड्राइवर की सारी मॉडल की प्राइस के बारे में। तो इसमें आपको बताएंगे हम कि इसके सारे मॉडल की प्राइस क्या क्या रहने वाली है और इसमें कौन कौन सा फीचर्स मिलते हैं आपको और जो इसके टॉप मॉडल है उसमें क्या फीचर मिलते हैं, जो लो मॉडल है उसमें क्या फीचर मिलते हैं। तो मेरा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा। तो रेनॉल्ट के ड्राइवर में हम लोगों को टोटल चार वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, RXE, RXL, RXT और RXZ। इन सारे की प्राइसेस आपको यहाँ पे आपके स्क्रीन पर भी देखने को मिल जाएंगे। इनमें से RXZ का जो एक 15 वाला मॉडल लिखा हुआ होगा उसका मतलब है कि RXZ में एक मॉडल आता है उसमें 15 इंचेस के अलावा ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहो तो वो वाला मॉडल भी चूज़ कर सकते हो। तो हम अब बात करते हैं इसके सारे वेरियंट्स के और इसके सारे फीचर्स की। तो इसमें सबसे बेस मॉडल हमें देखने को मिल जाता है RXE और इससे एक अप वेरियंट आता है RXL। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा फीचर्स हमें किन में मिलती है। तो RXE के मुकाबले हमें RXL में बॉडी कलर, डोर हैंडल मिल जाता है, फिर फुल प्लास्टिक व्हील कवर मिल जाता है, ब्लैक डोर डेकल मिल जाता है और भी बहुत सारे एक्सटीरियर डिज़ाइन में कुछ कुछ चेंजेस मिल जाते हैं, बॉडी कलर, ORVM जैसे कि एक्सेट्रा। फिर इंटीरियर डिज़ाइन की बात करें तो हमें इसमें ड्यूअल टोन डैशबोर्ड मिल जाता है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ, जो कि हमें RXE वेरियंट में देखने को नहीं मिलता है। फिर इसमें भी आपको साइड एयर वेंट्स मिल जाते हैं और फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाते हैं हमें सेमी आउटलाइन के साथ। और फिर जो हमें RXE वेरिएंट में जो चार्जिंग सॉकेट मिलता है वो हमें 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है फ्रंट में भी, पर इस वाले वेरिएंट से हमें USB चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। बाकी सेफ्टी में आपको जो RXE वेरिएंट मिलता है वही हमें RXL में भी देखने को मिलता है। बस इसमें RXE के मुकाबले हमें स्पीड सेंसिंग डोर लॉक ज़्यादा देखने को मिलता है और इम्पैक्ट सेंसिंग अनलॉक भी मिल जाता है। फिर हम अगर मूव ऑन करते हैं RXT वेरिएंट के ऊपर, और तो सबसे जो टॉप मॉडल है वो RXZ है और उसके एक नीचे आता है RXT वेरिएंट। तो RXT वेरिएंट जो आता है वो मेरा पर्सनल फेवरेट रिकमेंडेशन रहेगा मेरा कि मेरे हिसाब से कि आप RXT वेरिएंट ही लें, क्योंकि इसमें RXZ के मुकाबले कुछ ही फीचर्स कम है, जैसे कि वो भी छोटे मोटे फीचर्स कम है, जैसे कि आपको ड्यूअल टोन डैशबोर्ड मिल जाता है पर इसमें सिल्वर एसेंट नहीं मिलता है जो कि RXZ वेरिएंट में मिल जाता है हमें। फिर जो गियर नॉब रहते हैं उसमें हमें क्रोम फिनिश देखने को नहीं मिलते हैं और सिल्वर फिनिश भी नहीं मिलता। फिर जैसे कि डोर लॉक हो गया उसमें हमें सिल्वर फिनिश देखने को नहीं मिलता है और इसमें टू साइड एयरबैग्स मिलते हैं जो कि हमें RXT वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। तो कुछ माइनस फीचर्स के अलावा हमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि RXT में नहीं मिलता है। और प्राइसेस देखे जाए तो 50 से 60 हज़ार रुपये हमें महंगा लगता है मिलता है RXZ वेरिएंट। और इसमें एक और फीचर नहीं मिलता है जो कि रहता है हमारा ये पावर स्टार्ट बटन और रिमोट वाला एसएस की, तो ये हमें RXT वेरिएंट में नहीं मिलता है। पर ये कोई बहुत बड़ा फीचर नहीं है, आप इसे चाहें तो आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं सिर्फ पावर बटन छोड़ करके। तो अगर आप 50-60 हज़ार सिर्फ अगर पावर बटन और कुछ फीचर्स के लिए दे सकते हैं तो आप ज़रूर RXZ वेरिएंट के लिए मूव ऑन कर सकते हैं। बाकी इसका RXZ वेरिएंट जो है वो भी काफ़ी बजट फ्रेंडली है, आप इसे भी ले सकते हो, काफ़ी कम प्राइसेस में ही मिल जाता है। पर मेरा जो पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा वो RXT ही रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ ही फीचर्स ऐसे हैं जो कि हमें नहीं मिलते हैं, बाकी जैसे कि ORV और बाकी आपको इलेक्ट्रिकल ORVM इसमें मिल ही जाता है, पावर विंडो सारे मिल ही जाते हैं और टच स्क्रीन वगैरह, मीडिया नेविगेशन सारे चीज़ इसमें मिल ही जाते हैं। उम्मीद है आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि रेनॉल्ट ड्राइवर की सारी मॉडल की प्राइसेस क्या क्या रहती होती है और आपको इस वीडियो में पूरा समझ आ गया होगा इसके प्राइस लिस्ट के बारे में। और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा वहाँ पे आप पॉज करके वीडियो में इसके प्राइस को पढ़ सकते हो। ये सारे प्राइसेस जो मैंने आपको दिखाए हैं ये सारे देवघर के झारखंड में हैं, आपके साथ में थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है पर प्राइसेस यही रहने वाले हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।